हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, खासकर अपने खुद के अधिकारों की। लेकिन ये मांग करते वक्त हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे अधिकारों के तले कहीं दूसरे का अधिकार तो नहीं दब गया। और होता भी अक्सर यही है, जब एक का अधिकार दूसरे के अधिकार के सामने आता है तो तनाव होता है, युद्ध होता है। हम तो कहेंगे कि अपना हाथ वहीं तक बढ़ाएं जहां तक दूसरे के हाथ से टक्कर नहीं बल्कि हाथ से हाथ मिले, प्रेम बढ़े। इसी प्रेम और विश्वास से चलता है ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। अमेरिका और चीन में कारोबारी विवाद हुआ और तेज। अमेरिका ने चीन से आयातित 16 बिलियन डॉलर के सामानों पर लगाया 25% शुल्क, चीन की जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी किसान परेशान। मानवाधिकार मुद्दे को लेकर कनाडा और सऊदी अरब के बीच तनाव चरम पर। सऊदी अरब ने कनाडा से वापस बुलाए राजदूत, तोड़े कारोबारी संबंध। और इंडोनेशिया में लगातार दूसरे हफ्ते आया तगड़ा भूकंप। बाली और लोम्बोक में रिक्टर पैमाने पर 7 का झटका, 300 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों इमारतें नेस्तनाबूद। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा कारोबारी विवाद और गहरा गया है। इस हफ्ते अमेरिका ने चीन से आयातित 16 बिलियन डॉलर के सामानों पर 25% का शुल्क लगाने का फैसला किया है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से आयातित 16 बिलियन डॉलर के सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। दोनों देशों के बीच चल रही इस तनातनी की आंच अब आम नागरिकों पर आ रही है। ये है अमेरिका की साउथ कैरोलिना की टेलीविजन बनाने की फैक्ट्री। जल्द ही ये बंद हो जाएगी और इसके करीब 126 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। कारण, टेलीविजन के पुर्जे जो चीन से बनकर आते थे उन पर अमेरिका ने 25% की टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। इस वजह से इस यूनिट में टेलीविजन बनाना अब मुनाफे का सौदा नहीं रहा। बात यहीं खत्म नहीं हो रही। 8 अगस्त को अमेरिका ने चीन से आयातित 16 बिलियन डॉलर के दूसरे सामानों पर भी 25% का शुल्क लगाने के आदेश दे दिए। इस फैसले से खुद अमेरिकी जानकार भी खुश नहीं हैं। In my view, tariffs is not the way to adjust this. What we have to do is have a very serious, deep conversation that may take a whole year. But I think that is the only way to solve this. In the 1929 recession, depression that the United States had, the result of tariffs. And I am opposed to that approach. अमेरिका के इस कदम का चीन ने भी तुरंत जवाब दिया। उसने भी 16 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, साइकिलें और मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। 不管是340亿还是这一次的160亿，那么中方都是及时的出台了反制措施。那么可以说，这一点的信号传递的非常清晰，就是美方的施压不仅不会迫使中方低头，而且只能导致就是中方不得不做出的必要的反制，因为要保护我们自身的利益。 इस कारोबारी विवाद में ज्यादा परेशानी अमेरिकी व्यापारियों और उपभोक्ताओं को हो रही है, खासकर कृषि क्षेत्र में। सोयाबीन और पेकन के किसानों को बहुत घाटा हुआ है। अमेरिकी सरकार उन्हें मुआवजा दे रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये समस्या का हल नहीं है। It has already affected American farmers in the soybeans and in pork and in other things, and will continue to affect. Subsidies are not the way to solve these problems. I think that subsidies is it's a momentary good thing. In the long run, it serves nothing. The Chinese and Americans are the two leading nations in the world. They have to have peace between them. हालांकि चीन की हालत अमेरिका से कहीं ज्यादा बेहतर है। पिछले 7 महीनों में देश के कारोबार की विकास दर 8.6% रही।
देश के निर्यात में 5% और आयात में 12.9% की बढ़त दर्ज की गई। इस बीच चीन का यूरोपीय यूनियन से व्यापार 2.46 ट्रिलियन युआन, अमेरिका से 2.29 ट्रिलियन युआन, आसियान देशों से 2.11 ट्रिलियन युआन और ब्रिक्स देशों से 1.28 ट्रिलियन युआन रहा। 今年以来，我国外贸进出口稳中向好，前七个月保持较快增长，增速较上半年加快0.7个百分点。与此同时，国内需求向好，我国积极扩大进口，贸易顺差收窄，进出口发展更趋平衡。 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही व्यापार घाटे को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका का सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन से भी कारोबारी विवाद चल रहा है। जानकार इसके लिए एक हद तक अमेरिका को ही दोषी मान रहे हैं। What Donald Trump has been saying is America runs a trade deficit with the European Union, America runs a trade deficit with China, therefore that trade is unfair. That works politically, but I think if you look at the global economy, it's actually not consistent with how the global economy works. आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अमेरिका पर आरोप है कि वो मुक्त व्यापार की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी तरफ है अमेरिका का व्यापार घाटा। कुल मिलाकर व्यापार के मैदान में तनाव चरम पर है। जानकार मानते हैं कि अगर कारोबारी युद्ध छिड़ा तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार से अमेरिका ने जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए वो प्रभावी हो गए। हालांकि अमेरिका जो चाहता था उस हिसाब से उसे पूरी सफलता हासिल नहीं हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने एक विशेष कानून लागू करके अपनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंध से बचा लिया है। I withdrew the United States from the horrible one-sided Iran nuclear deal. And Iran is not the same country anymore, that I can say. And we'll see what happens, but we're ready to make a real deal, not the deal that was done by the previous administration, which was a disaster. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पेशकश को ईरान के राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मनी और दोस्ती एक साथ नहीं निभाई जाती। ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواد داشته باشه یعنی اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره لیکن امریکا کے اس قدم کا یورپین یونین نے ساتھ نہیں دیا ہے انہوں نے ایک وشیش قانون کو لاگو کیا ہے جسے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والی یورپی کمپنیوں پر امریکا کا پرتیبند لاگو نہیں ہوگا What I can say is that the blocking statute, once it enters into force at 6 a.m. Our time this morning, will allow EU operators to recover damages arising from U.S. extraterritorial sanctions from the persons causing them and nullifies the effect in the EU of any foreign court rulings based on them. It also forbids EU persons from complying with those sanctions. इस बरस मई में अमेरिका ईरान समझौते से बाहर हो गया था लेकिन समझौते में शामिल दूसरे सदस्य देश ईरान के व्यवहार से संतुष्ट थे और उन्होंने समझौते को जारी रखा ये देश आज भी अपने रुख पर कायम है First of all, the Germans believe that this is the way, best way to contain the Iranian nuclear program at this time. Germany wants to prevent a further escalation of military conflict in the Middle East. I think the German as well as other European governments think that right now the Middle East is already in trouble and wants to contain the effect of that escalation. प्रतिबंधों को लेकर ईरान का पड़ोसी देश इराक भी सैद्धांतिक रूप से अमेरिका के खिलाफ है लेकिन फिर भी वो प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार है
من الناحية المبدئية احنا ضد العقوبات بالمطلق مبدئيا. العراق دفع اكبر ثمن لعقوبات ظالمة، اسميها ظالمة، فرضت عليه لمدة 13 عام ودفعنا ثمنها باهظ. العقوبات فرضت على اساس تضعف النظام السابق. अमेरिका के प्रतिबंध खास तौर से ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने के लिए लगाए गए हैं। उसको भरोसा है कि इससे वहां के शासकों पर दबाव पड़ेगा। फिलहाल अमेरिका के प्रतिबंधों को दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये प्रतिबंध कितने कारगर साबित होंगे, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का इम्तिहान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कनाडा और सऊदी अरब के बीच कुछ दिनों से चल रहा तनाव चरम पर पहुंच गया है। सऊदी अरब ने कनाडा से अपने राजदूत को बुला लिया है और कैनेडियन राजदूत को देश छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही उसने कनाडा के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। इस तनाव के पीछे क्या कारण है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सऊदी अरब और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों की शुरुआत हुई मानवाधिकार कार्यकर्ता समर बधावी की सऊदी अरब में गिरफ्तारी से। 3 अगस्त को कनाडा के विदेश विभाग ने ये ट्वीट जारी किया जिसमें समर बधावी सहित सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की। सऊदी अरब ने इस ट्वीट को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में लिया और कनाडा से सारे संबंध तोड़ लिए। हालांकि कनाडा अपने रुख पर कायम है। Canada's commitment to putting human rights at the center of our foreign policy has drawn some attention in recent days. I'm referring, of course, to the expulsion of Canada's ambassador to Saudi Arabia. And let me be very clear with everyone here and with the Canadians who may be watching and listening. Canada will always stand up for human rights in Canada and around the world, and women's rights are human rights. इसके बाद सऊदी अरब ने कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे करीब 16,000 सऊदी छात्रों को भी देश छोड़ने के आदेश दे दिए। हालांकि कनाडा ने इसका भी विरोध किया। Canada is a wonderful place for students from around the world and for Canadians to study. We have been glad for many years to welcome Saudi students here, and they are very much welcome to the Saudi students who have been accepted to Canada are very much welcome to arrive in Canada as planned and to study here. Whether they do or not, of course, is not my decision or a decision for the government of Canada. It's a decision for those students and for the government of Saudi Arabia. But speaking proudly on behalf of Canadian society and Canadian universities, I think it would be a shame for those students if they are deprived of the right to study here. Canada और सऊदी अरब के बीच रिश्ते आमतौर पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 2014 में कनेडियन सरकार ने सऊदी अरब को $11 बिलियन के हथियार बेचे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो अब भी सऊदी अरब का आदर करते हैं, लेकिन मानवाधिकार के मामले पर उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। We continue to engage diplomatically and politically with the Kingdom of Saudi Arabia. We have respect for their importance in the world and recognize that they have made progress on a number of important issues, but we will at the same time continue to speak clearly and firmly on issues of human rights at home and abroad wherever we see the need. America ne dono deshon se tanav kam karne ki appeal ki hai. This particular case regarding Canada, we have raised that with the government of Saudi Arabia. They're friends, they're partners, as is Canada as well. Both sides need to diplomatically resolve this together. We can't do it for them, they need to resolve it together. इस तनाव की जड़ें मई 2014 में हैं, जब सऊदी अरब में ब्लॉगर रहफ बदावी को इस्लाम के खिलाफ लिखने के जुर्म में कोड़े से मारा गया और जेल में डाल दिया गया। बदावी पर हुए अत्याचार की दुनिया भर में आलोचना हुई।
यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी रैफ के पक्ष में बोला। थोड़े दिनों बाद रैफ का परिवार कनाडा आ गया और यहाँ की नागरिकता ले ली। रैफ बदावी मुद्दे पर ही सऊदी अरब और स्वीडन के बीच भी दूरियां बढ़ गई थीं, क्योंकि स्वीडन के विदेश मंत्री ने रैफ पर दिए गए फैसले को बर्बरतापूर्ण बताया था। पिछले दिनों जब रैफ की बहन समर बदावी को गिरफ्तार किया गया तो कनाडा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जो सऊदी अरब को नागवार गुजरी। अब दोनों देशों के बीच रिश्ते टूट गए हैं। हालांकि सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान की छवि खासकर महिलाओं को लेकर एक सुधारक की बन रही है, फिर भी ये समझना कठिन है कि वो एक मामूली बात पर अपने पुराने सहयोगी से रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए दुनिया रंग बिरंगी। अब बात इंडोनेशिया की, जो आजकल एक बड़े भूकंप के झटके से उबर रहा है। 5 अगस्त को यहाँ के पर्यटन के लिए मशहूर जगहें बाली और लोमबाग में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। इससे कई घर और दूसरे इमारतें तबाह हो गईं। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लोमबोक द्वीप, वो शाम का वक्त था। लोग रविवार की छुट्टी का आनंद ले रहे थे। 6:46 पर अचानक धरती हिल उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धरती हिलने का ये दौर कुछ सेकंडों तक ही रहा, लेकिन जब ये थमा तो लोगों के चेहरों पे आतंक था। I felt like it was like a truck passing by, but then it got really heavy and also yeah, the noise was crazy. So I thought, okay, this is bad, this is an earthquake. So I started running to the exit, but then everybody who was in the restaurant was also running through the exit. So it was like a big stampede and everyone fell, and there were like 3 or 4 people who fell on top of me, and that's when my knee got injured. लेकिन भूकंप के विनाश का अंदाजा तो सुबह हुआ। जहां देखो वहां टूटी इमारतें, लोग जान बचाने की खोज में जुटे हुए थे। पहले ही दिन 80 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई। लोग अपनों को ढूंढने की भरसक कोशिश कर रहे थे, कुछ को निराशा हाथ लगी। सबलम terjadinya gempa kan banyak orang belanja di sini, orang-orang belanja. Nah tiba-tiba terjadi gempa itu, terus dia mau lari keluar. Dia lari keluar, terus di tengah jalan, di tengah pintu itu dia duduk, apa namanya, berdiri. Namanya Ibu Salama. Waktu itu dia hadir di pengajian tuh. Yang ngajar Tuan Guru Islahuddin dari KP. Waktu itu jemaah banyak. Entah berapa masih jemaah tertimbun, saya kurang tahu gitu ya. Makanya saya tunggu-tunggu itu. Richter scale per 7 का ये भूकंप किसी भी मायने में कम नहीं था। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसे भूकंप की आशंका से कभी नहीं इनकार किया जा सकता था। दरअसल इंडोनेशिया एक बहुत ही सक्रिय भूगर्भीय प्रक्रिया के ऊपर बसा है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ भूकंप का आना स्वाभाविक है। लेकिन जान और माल का नुकसान होने की बड़ी वजह ये भी है कि इमारतें बनाते वक्त यहाँ के लोगों ने इस बात को नजरअंदाज किया। दूसरी बात ये भी रही कि भूकंप की स्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी भी लोगों को नहीं दी गई। नहीं था वो, tapi takut sih sama gempa bumi. Enggak, cuma diajarin tentang dunia-dunia itu aja. इंडोनेशिया में लगातार दूसरे हफ्ते भूकंप आया था,
रविवार के भूकंप के बाद इससे छोटी तीव्रता के झटके महसूस किए जाते रहे, लेकिन इनमें भी कई रिक्टर स्केल पर 6 के थे। फिलहाल लोग घरों से बाहर रात बिताना ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं और जो पर्यटक बाली और लोम्बोक आए थे वो किसी भी तरह सुरक्षित घर वापस जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए एक नजर डालते हैं दुनिया में घटी कुछ दूसरी अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। ब्रिटेन में नर्व एजेंट हमले में रूस के शामिल होने के मामले में अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके तहत अमेरिका रूस को सेना के काम आने वाले तकनीकी सामान के निर्यात पर रोक लगाएगा। प्रतिबंध 22 अगस्त से लागू होंगे। रूस के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया पर ब्रिटेन में मार्च में हुए हमले में नर्व गैस के इस्तेमाल के मामले में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी मुल्कों व ब्रिटेन में जासूसों पर केमिकल अटैक के लिए रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दोषी माना है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जबकि रूस इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। उत्तरी यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन के हवाई हमले में गुरुवार को कम से कम 43 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। ये हवाई हमले बसों पर किए गए जो कि विद्रोहियों के कब्जे वाले सादा प्रांत के दाहियान बाजार से गुजर रही थी। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले संगठन ने कहा है कि ये हमला ईरान समर्थक हूदी विद्रोहियों के खिलाफ किया गया, जिन्होंने बुधवार को सऊदी अरब के सीमावर्ती जाजान क्षेत्र पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। संगठन ने अपनी कार्रवाई को वैध बताया। पिछले सप्ताह भी सऊदी गठबंधन सरकार ने यमन के पश्चिमी तटवर्ती शहर हुदैदा में अस्पताल और शहर की मछली मंडी पर बमबारी की थी, जिसमें कम से कम 52 लोग मारे गए थे और 102 घायल हो गए थे। पूर्वी सीरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संगठन सेना और सहयोगी लड़ाकों के हमलों में मंगलवार को इस्लामिक स्टेट के कम से कम 28 आतंकवादी मारे गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक गठबंधन सेना और कुर्द और अरब लड़ाकों के गठबंधन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इराक की सीमा से लगते बीर अल मेलेह क्षेत्र में हमले किए। एक समय सीरिया और इराक के लगभग सभी हिस्सों पर कब्जा जमा चुके आईएस का सीरिया के 3% से भी कम क्षेत्र पर कब्जा है। सीरिया में से आईएस को लगभग खदेड़ दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 7 सालों के युद्ध के दौरान 7,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, जबकि अपुष्ट रिपोर्टों के मुताबिक मारे गए बच्चों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। अर्जेंटीना की संसद में गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पास नहीं हो पाया है। इस बिल में गर्भधारण के पहले 14 हफ्तों के दौरान गर्भपात की इजाजत दी गई थी। संसद में चली करीब 16 घंटे की लंबी बहस के बाद 38 सांसदों ने इसके खिलाफ और 31 ने इसके पक्ष में वोट किया। इसके खारिज होने के कैथोलिक बहुल देश में गर्भपात अधिकार समर्थकों को झटका लगा। गर्भपात अधिकार समर्थक हजारों कार्यकर्ताओं ने राजधानी ब्यूनस आयर्स में रैली निकाली। कई समर्थकों ने गुस्से में पुलिस पर हमले किए और आग लगाने की कोशिश की। अर्जेंटीना में सिर्फ बलात्कार या मां की जान को खतरा होने की स्थिति में ही गर्भपात की अनुमति है। करेंसी नोटों को लेकर नेपाल सरकार ने सख्ती दिखाई है। देश के सभी संस्थानों और छोटे बैंकों को आदेश जारी किया गया है कि लिखे हुए या मुड़े हुए नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेपाल सरकार अपने नोटों पर कुछ भी लिखने, फाड़ने, चलाने और यहां तक कि लाइन खींचने को आपराधिक मामला मानेगी। नेपाल सरकार ने 18 अगस्त से इन नए नियम को लागू करने का फैसला लिया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक्ट 2007 के मुताबिक देश की करेंसी नोट या सिक्के को नुकसान पहुंचाने पर 3 महीने तक का कारावास और जुर्माने के तौर पर 5,000 नेपाली रुपए देने की सजा सुनाई जा सकती है। और आइए अब एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो दिल को खुश कर जाएं। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी पुरस्कारों के मंच ऑस्कर में अब एक और कैटेगरी जुड़ जाएगी। ऑस्कर के आयोजकों ने पॉपुलर मूवी यानी लोकप्रिय फिल्म के लिए एक नई कैटेगरी जोड़ने का फैसला लिया है।
इसके अलावा अब अवार्ड सेरेमनी को 3 घंटे के अंदर ही समेटा जाएगा। ये बदलाव फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा। इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण ऑस्कर की समय के साथ कम होती लोकप्रियता है। अमेरिका में मार्च 2018 ऑस्कर के दौरान केवल 26.5 मिलियन लोगों ने टीवी पर ऑस्कर समारोह देखा था, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। साथ ही ज्यादातर 8 फिल्मों को सम्मान देने वाला ऑस्कर अब स्टार वॉर्स जैसी बॉक्स ऑफिस हिट या सुपर हीरो मूवीज को भी सम्मानित करेगा। 21वीं सदी एशिया की सदी साबित होगी। लगता है फिल्मों के मामले में भी अब ऐसा ही होने जा रहा है। 15 अगस्त को पहली बार एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म रिलीज हो रही है जिसकी पूरी स्टार कास्ट सिर्फ एशिया के कलाकारों से सजी हुई है। क्रेजी रिच एशियंस नाम की इस फिल्म का प्रीमियर 7 अगस्त को लॉस एंजलिस में किया गया। 25 साल में पहली बार किसी हॉलीवुड फिल्म में सिर्फ एशिया के कलाकारों ने काम किया है। क्रेजी रिच एशियंस एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो इसी नाम के केविन क्वान के चर्चित नॉवल पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन जॉन एम चू ने किया है और इसमें सबसे मशहूर एशियन अमेरिकन कलाकार केन जियोंग मुख्य भूमिका में हैं। क्यूबा के लोगों ने आजकल साइकिलिंग को बढ़ावा देने की ठानी है। हर महीने बड़ी संख्या में युवा राजधानी की सड़कों पर निकलकर 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। क्यूबा में साइकिलिंग को गरीबी का प्रतीक माना जाता रहा है। इस मिथक को तोड़ने का संकल्प अब यहाँ के युवाओं ने ले लिया है। ये नौजवान लोगों को संदेश दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए साइकिलिंग काफी मदद कर सकती है। साथ ही सेहत के नजरिए से भी साइकिलिंग बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा प्रदूषण से निजात दिलाने में साइकिल से बेहतर और क्या हो सकता है। क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने राष्ट्रपति रहते वक्त साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में साइकिल बांटी थी। उम्मीद है कि इन लोगों की ये कोशिश जल्द असर दिखाएगी। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे पर लंदन के शेरों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ के जू में एशियाई शेरों को खिलौनों से बहलाया गया। इन भारतीय शेरों को खेलने के लिए बॉल दी गई। ये 3 शेरनी बहनें हीडी, इंडी और रूबी अपने नए खिलौने से मन बहलाने में पीछे भी नहीं रही। पेड़ पर लटकी बॉल के साथ तो खेला ही गया, साथ ही ये तीनों पानी में गिरी बॉल को निकालने की कोशिश भी करती नजर आई। इन बॉल को खास तौर से गुजरात राज्य से प्रेरित रंगों से रंगा गया और इनमें कई तरह की जड़ी बूटियों के अरोमा का भी इस्तेमाल किया गया। एशियाई शेर लुप्त प्राय जानवर है जिनकी संख्या बढ़ाने की कोशिशें लगातार जारी है। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हमें इंतजार रहता है। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।